तो एक मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी का ही अधिकार नहीं होता है कि हमारे रसोई में हम क्या बना रहे हैं वो देख करके वो राजनीति करे। कभी भाषा के नाम पर वो अपना नेता को पूंजी कभी जो है वो जनता के ऊपर थोप देता है, लोग बेचारे परेशान वो होते चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो गरीबी का सवाल उठाएगा कौन? जो सत्ता में बैठे हुए वो तो कह रहे थे नहीं, ये राजनेता क्यों उठा रहे हो? तो हमारे जो स्कीम वर्क कर रहे हैं, हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो खेती पर लगे हुए कर्मचारी हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनका आवाज कौन उठाएगा? इसके लिए ये राजनीति की जरूरत है, इसके लिए ये CPIM भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जरूरत है, इसके लिए बाल मंत्रालय की जरूरत होती है, इसके लिए किसान सभा की जरूरत होती है, इसके लिए मजदूर संगठन की जरूरत होती है, इसके लिए विद्यार्थी और महिला संगठन की जरूरत होती है। उनको वो सोचते हैं कि हम गोली मार के कुछ खत्म कर देंगे, जेल डाल के खत्म कर देंगे, कुछ अफवाह बनाकर खत्म कर देंगे। लाल झंडा इतने आसानी से खत्म होने वाले मामला नहीं है। ये झंडा जो लाल आप देख रहे हो ये कोई देर का कपड़े का ऐसे टुकड़ा नहीं है, चाहे हट्टा मजदूर हो अपने हक के लिए लड़ाई करके, चाहे नौजवान हो रोजगार के नाम पर लड़ाई करके, चाहे महिला समान अधिकार के नाम पर लड़ाई करके, चाहे वो अल्पसंख्यक के ताकि उनको सुरक्षा मिले उसके लिए हम संघर्ष करते हैं एकता के लिए, चाहे आतंकवाद के लिए खिलाफ संघर्ष करते हैं, मजदूर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और पूंजीपति के दलाल, शासन और प्रशासन, पुलिस, गुंडे उनके गोली से, उनके तलवार पिस्तौल से, उनके छोरे से जो गरीब जनता की हत्या की जाती है उन शहीदों के कलेजे में खून से ये झंडा लाल हुआ बहुत शहादत देने के बाद। इसलिए हमने भगत सिंह का फोटो यहां लगाए हैं। भगत सिंह को एक व्यक्ति नहीं सही आज भगत सिंह खुद आपने वो यहां पे वो उद्धृत किया आपकी बात को कि आप व्यक्ति को हत्या कर सकते हो लेकिन विचारधारा को आप हत्या नहीं कर सकते और यही वैचारिक संघर्ष है। हम जब कहते हैं हमें भोजन का अधिकार दो, अनाज का अधिकार दो, अनाज का कीमत का अधिकार दो, वो क्या कर रहे हैं सत्ता के दलाल? इसके लिए तो बहुत परेशानी होगा किसान से अनाज खरीदना पड़ेगा तो जो वो वोट का मार्केटिंग करते हैं लेकिन हमारा अनाज का मार्केटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है, होर्डिंग लगा देते हैं, हम मंडी बना दिए हैं, कह सकते हैं 2022 तक आपको तेल का कीमत मिलेगा। अरे हम कहते हैं 5 साल की हुकूमत बनी, आपने 2014 में ये कहा था कि अनाज पैदा करने के लिए किसान का जितना लागत है उसका तेल का कीमत देना पड़ेगा। वो अभी बजट में कहते हैं रबी फसल के लिए हम दे देंगे क्योंकि सामने चुनाव है और उसके बाद खरीदेगा कौन? SCI कहा? आप मंडी में खरीदने के मतलब क्यों नहीं करते हो? हमारे को बाजार चाहिए, वो ये सब में झमेले में नहीं जाते। वो कहते हैं कि देखो तो उसके घर में फ्रिज में क्या रखा हुआ है, किस प्रकार के मांस है, छोटे का या बड़े का है। हमारे घर में हम दाल बना रहे हैं, दाल कौन सा है, चने का है या मटर का है? हम रोटी बना रहे हैं या चावल बना रहे हैं? कोई राजनीति, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी का ही अधिकार नहीं होता है कि हमारे रसोई में हम क्या बना